हमने भरवा लिया है एक लोटा और फटाफट ये जल चढ़ाते हैं। बेलपात्र है, काले तिल है और दूध है, मिक्सिंग है। तो कहा जी, इतनी सारी साइकिलें देख रहे हो आप, ये 100-100 रुपये में मिल जाती हैं। हाँ जी, आपने सही सुना, नैनीताल में 100-100 रुपये में साइकिल, 100-100 रुपये में साइकिल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू डे माय न्यू ब्लॉग। टू डेज, 1 मार्च ट्यूजडे, और गाइस साथ ही साथ आज है महाशिवरात्रि, यानी कि रात्रियों की रात्रि, महाशिवरात्रि शिव की रात्रि। तो गाइस फाइनली मैंने नहा धो लिया है, घर में तो पूजा पाठ कर लिया है, तिलक इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि अभी जा रहे हैं मंदिर, मंदिर में ही जाके तिलक लगाएंगे। होप करता हूँ कि आप लोगों ने भी अच्छी तरीके से नहा लिया होगा और आप लोग भी रेडी हो गए होंगे। कुछ लोगों ने पूजा कर ली होगी, कुछ लोग पूजा करने जा रहे होंगे। और आप देख रहे हैं पीछे बंदर ने इतनी बड़ी लकड़ी गिरा दी ऊपर से। अब मैं अभी निकल के आ रहा हूँ, बस बच ही गया, कोई बात नहीं। और ये देखिए पीछे से, यो क्या बात है। तो ये है लंगूर, और थोड़ा हालांकि ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, बस कूदा फांदी रहती है इनको, थोड़ा खाने पीने को इधर उधर से मिल जाता है, या तो फिर ये जो पेड़ हैं इन पेड़ों पे कुछ फल रहते हैं, सीजनल फल रहते हैं, तो वो खाते रहते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं मंदिर के लिए, अगर कोई साथी आएगा तो साथ देगा तो ठीक है, बाकी नीचे बोल रखा है मैंने चूचू को, वो बोल रहा है कि अपने फ्रेंडों के साथ चलेंगे मंदिर। बोल तो बोलता है बहुत ऊपर एक मंदिर है, वहाँ जाएंगे। मैंने कहा वहाँ नहीं जाएंगे, हम नैना देवी ही मंदिर जाएंगे, कोई जाए या ना जाए लेकिन हम मंदिर चलेंगे, दर्शन करेंगे। गेट बंद करते हैं और सीधे चलते हैं मंदिर, यानी कि भक्ति के रास्ते पर प्रभु के धाम में, प्रभु की शरण में। और हाँ, जो भी मांगना है आप भी मांग लीजिए, और मैं भी आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इस दुनिया के लिए बहुत कुछ मांगने वाला हूँ। तो चलिए निकलते हैं धाम को, प्रभु श्री के चरणों में। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं मंदिर, और मंदिर में देख रहे हो आप भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो चलिए दर्शन करते हैं और जल चढ़ाते हैं। मुझे नहीं लग रहा जल चढ़ाने को मिल पाएगा, क्योंकि जल चढ़ाने की तो वहाँ पर तो आज शिवरात्रि में हूँ नैना देवी मंदिर में, और फाइनली अपना जो है जल चढ़ा दिया है मैंने शिवजी यानी कि शिवलिंग पर, और बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे भक्त आए हुए हैं। और यहाँ से आप नज़ारा ले सकते हैं पूरा नैनी लेक का, बहुत खूबसूरत धूप निकली हुई है, आप इंजॉय कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। मैंने अपना टीका भी लगवा लिया है, होप करता हूँ कि आप लोगों ने भी अपना टीका और पूजा कर लिया होगा। तो फिलहाल मैंने श्रद्धा अनुसार आप लोगों के लिए, अपने लिए, आपके परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए मनोकामना मांग ली है, ईश्वर उसको पूरा करेंगे, महादेव उसको पूरा करेंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर और आपके परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आप लोग भी आज जाप कीजिए प्रभु का, और अपने सुख कल्याण समृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए, पृथ्वी की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। जय ओम नमः शिवाय। हमने सही समय पर दर्शन कर लिए, और आप देख रहे हो कितनी लंबी भीड़ लग गई है। गाइस हमने भरवा लिया है एक लोटा और फटाफट ये जल चढ़ाते हैं। बेलपात्र है, काले तिल है और दूध है, मिक्सिंग है, तो फटाफट चढ़ाते हैं जब तक काम से पुष्टि ना मिले। जीवन में आपको वो काम तब तक करना चाहिए जब तक आपको उसमें संतुष्टि नहीं मिल जाती या बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिल जाती है। उसका रीज़न है, जब आप पूरे लगन के साथ वो काम करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी और तभी आपके मन को संतुष्टि मिलेगी। वैसे ही मुझे जैसे एक बार में जल चढ़ाने में संतुष्टि नहीं मिली, जब दूसरी बार जल चढ़ाया तब जाके संतुष्टि मिली, वैसे ही मैं बात करना चाहता हूँ इस फील्ड में खेलते हुए खिलाड़ियों की। एक बॉलर तब तक गेंद फेंकता है
जब तक बैट्समैन को आउट नहीं कर देता है, और एक बैट्समैन तब तक उस बॉल को बार बार मारता है कि वो बाउंड्री से उसको बाहर ना फेंक दे, यानी कि तब तक वो छक्का ना मार दे। और एक बाउंड्री मैन तब तक बाउंड्री पे लगा रहता है जब तक वो कैच आउट ना कर दे। तो क्या कहते हो आप, ये बात राइट है ना? तो गाइस फाइनली अपना बन गया है पीनट बटर स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। हाँ जी, ये मैं बनाना जानता हूँ और मैंने बना भी लिया है, और इसमें एक आध बाल भी चिपक गया है ग्लास में, पता नहीं कैसे लग गया, शायद उस कपड़े से लगा होगा। तो आज यही इंजॉय करते हैं और देखते हैं टेस्ट करके कैसा है। वाह क्या बात है, मज़ा आ गया, आप भी ट्राई करें। के 4:30 बज गए हैं और मैं अभी सोकर उठा हूँ। मैंने बनाई है एक प्याली चाय, यानी कि एक कप चाय, बहुत ही टेस्टी बनी है। फिलहाल पीछे जो है धूप है वो पीछे वाली पहाड़ियों पे, हाँ उधर थोड़ा फॉग भी लगा हुआ है, तो मैंने सोचा थोड़ा चाय पी लूँ क्योंकि आज पूरा व्रत हो गया। व्रत क्या व्रत रखा ही मैंने आज महाशिवरात्रि का, और कभी कभी तो व्रत रखने चाहिए। वैसे मैं बताऊँ तो कम से कम मैंने 11 साल से कोई व्रत नहीं रखा है। 11 साल से पहले मैं बजरंगबली का यानी कि मंगलवार को व्रत रखता था, प्रसाद चढ़ाने जाता था, लेकिन 11 साल से मैंने कोई व्रत नहीं रखा था। तो मैंने सोचा कि फिर से कुछ ना कुछ तो स्टार्ट किया जाए, धीरे धीरे आदत डालते हैं, क्योंकि ईश्वर को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो पीजिए, और आपका व्रत भी है तो अगर पी लिया तो अच्छी बात है, नहीं पी है तो बनाइए फटाफट और पी लीजिए। मॉर्निंग में नहा धो लिया था और मैं सीधे मंदिर चला गया था। मैंने सोचा मंदिर होके आ जाता हूँ, उसके बाद ये कपड़े जो है धुल दूँगा, क्योंकि मैंने सुबह जो जितने भी सारे कपड़े थे पुराने गंदे संदे, वो मैंने क्या किया, गर्म पानी में और निरमा यानी कि पाउडर के साथ, निरमा पाउडर के साथ उसको भिगो दिया था। तो सुबह से लेके अभी हो गया, नहीं तो कपड़े भी ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने सोचा उनको धुल देता हूँ, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, और धूप भी चली गई है, अब आज तक तो सूखेंगे नहीं, अब कल तक ही सूख पाएंगे। तो मैं सोचता हूँ फटाफट उनको धुल देता हूँ, ख़राब होने से कम बच जाएंगे। पूरे दिन काम करने में बिजी था, उसके बाद मैं सो गया, इसीलिए अभी तक पड़े हुए हैं। तो चलो फटाफट पहले कपड़े धुल लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। फाइनली अपने कपड़े तो सारे धुल गए, बस अब अपना थोपड़ा धुलने की बारी है। तो फटाफट थोपड़ा धुलते हैं, वाल साल बनाते हैं, फिर कहीं घूमने चलते हैं, और बंदर कूदा है ऊपर टीम पे। तो फाइनली गाइज अपन जो है तैयार हो चुका है, और अभी जाना है माल लोड घूमने के लिए, उसके बाद मार्केट से थोड़ा सामान लाना है, फल फ्रूट सब्जी जो भी मिलता है, और एक लस्सी लेके आऊँगा या पी के आऊँगा। तो ताला में डालना भूल गया था, बाथरूम में कपड़े धुल लिए थे, तो फटाफट डाल देता हूँ ये, नहीं तो दिक्कत ही हो जाती है कि लोग इसको गंदा कर देते हैं, तो इसीलिए ताला डाला ज़रूरी है। और आप देखो इधर सामने कितना ज़्यादा फॉग लग गया है, धूप ख़त्म हो गई है, 6 बजने वाला है, तो वॉकिंग का भी टाइम हो गया। मॉल रोड में चल के थोड़ा वॉक करते हैं और थोड़ा माल देखते हैं, मतलब कुछ खरीदना है या नहीं खरीदना है वो वाला माल। मैं आ गया हूँ फील्ड में, और चारों तरफ देख रहे हो आप पूरा धुंधी धुंध लगा हुआ है, और फील्ड में भाई लोग खेलने के लिए आ गए हैं, फुटबॉल कुछ लोग रनिंग करने के लिए आ गए हैं, क्योंकि दिन में मैच होता रहता है तो इसीलिए लोकल के लोग आ नहीं पाते हैं खेलने के लिए, और शाम को ये मैच जो है ख़त्म हो जाता है तो लोग फ्री हो जाते हैं। तो इधर जो है शाम के टाइम पे सारे अपने फ्रेंड लोग सर्कल के जितने भी हैं वो आ जाते हैं घूमने के लिए, और वो लोग यहाँ पर फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, और खेल खाल के वॉक वॉक करके रनिंग रनिंग करके अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर पुलिस और मिलिट्री की भी तैयारी करते रहते हैं ना। और फिलहाल ये है रोड पूरी, इस पर पूरा ये मार्केट लगी रहती है। तो फिलहाल गाइस मेरे पीछे है नैना देवी मंदिर, और मंदिर में बहुत सारे कम लोग हो गए हैं, शाम को वॉक करने के बाद माल रोड में अभी मंदिर में आएंगे आरती के लिए, क्योंकि आरती होती है 6:30 बजे, और आप देख रहे हो पूरा
नहीं, लेक के ऊपर फॉगी फॉग लगा हुआ है और इधर देखो पूरा नीली पीली काली ये नाव खड़ी है, ये पैडल बोट है। अगर आपको जाना है तो यहाँ से लीजिए और पूरा इंजॉय कीजिए लेक में। मैं तो आए टाइम इंजॉय करता ही रहता हूँ, कभी मन होता है तो नाव ले लेता हूँ, इधर से इंजॉय करने चला जाता हूँ अकेले भी। फिलहाल मैं आगे हूँ माल रोड में और माल रोड में टहल रहा हूँ। माल रोड भी पूरा सुनसान है, एकदम खाली हो गया। परसों सैटरडे था, कल संडे था, तो अच्छी खासी भीड़ थी। मतलब सैटरडे और संडे को बहुत भीड़ थी और आज तो ऐसे सूखा पड़ा हुआ है पूरा माल रोड में। और ये देखो इधर भी। तो गाइस आप ये साइकिलें देख रहे हैं, ये साइकिलें मात्र 100-100 रुपये में मिलती हैं नैनीताल में। हाँ जी, आपने सही सुना, 100-100 रुपये में, 100-100 रुपये में, छोटी बड़ी जो मर्जी हो वो लो, 100 रुपये में एक घंटे के लिए, और इन्जॉय करो। क्या बात है, मैं भी एक दिन लूँगा। अभी मैंने इसको ट्राई नहीं किया लेकिन मन है, एक दिन करेंगे। भाई ये है नया नवेला रिक्शा स्टैंड, अभी बन रहा है और मैं फाइनली अपना वॉक वॉक करके आ गया हूँ। तो ये खूबसूरत सा बना दिया गया है, पहले तो ऐसे ही था। तो गाइस वहाँ पर हो रही थी आरती, आरती में भी शामिल हो लिया, प्रसाद भी चढ़ा दिया और वहाँ पर भक्ति गीत यानी कि शिव जी के गीत बज रहे थे और संगीत भी चालू था। थक गया हूँ थोड़ा, तो वहाँ बैठ गया और संगीत में ही हो गया, बहुत अच्छा लगा। साथ में अपना सब्जी अब्जी सब ले आया, सब्जी फल लस्सी दही और बहुत सारी चीज़ें लाया हूँ। मैं भूल भी गया क्या क्या लेके आया हूँ। तो अभी फिलहाल टाइम है मंदिर जाने का, तो चलो मंदिर निकलते हैं। अगर आरती मिल जाए तो, नहीं मिलेगी फिर भी वहाँ पर आरतियाँ रखी होंगी, लगाई होंगी लोगों ने, वहाँ से ले आएंगे, एक भेज रहे होंगे वहाँ पर, अपने मंदिर में कर लेंगे। क्या कहते हो, चलो फटाफट चलते हैं। तो फिलहाल मैं हूँ इस टाइम अभी मंदिर में और मंदिर में आरती फिलहाल हो चुकी है, अब स्तुति हो रही है यानी कि वंदना हो रही है। तो फटाफट अब वंदना में शामिल होते हैं और आरती वो वहाँ पर रखी है, इससे पहले जो मैंने आरती दिखाई थी वो वहाँ पर रखी है बजरंगबली वाली। तो यहाँ पर आरती लेते हैं और प्रभु के दर्शन करते हैं, फिर निकल। फलहार रेडी है और प्रभु को भोग लगाते हैं, तो अभी भोग लगाने का टाइम है, तो फटाफट भोग लगा देते हैं। अपनी आरती हो गई है और मैं अभी जो है उधर फ़ोन में आदियोगी यानी कि सात गुरु का प्रोग्राम भी देख रहा हूँ। शिवरात्रि के साथ और प्रभु के आशीर्वाद के साथ ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। होप करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया है तो हर हर महादेव नीचे कमेंट में लिखिए और एक लाइक कीजिए और प्रभु से आज जो भी आपको वरदान मांगना है वरदान मांगिए, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, गुड नाइट।